हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एक नई सीरीज़, और वो नई सीरीज़ होगी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की। यहाँ पे हम इस वीडियो से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको पोस्ट के द्वारा इन्फॉर्म किया था कि बहुत जल्दी यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट की एक कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे लेके आने वाले हैं। अब क्यों ये मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं मेरे YouTube चैनल पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि PHP और MySQL का यूज करके मोस्टली होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स मैं बनवाता भी हूँ आपसे, बने बनाए सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको कॉलेज में जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो, चाहे वो मिनी प्रोजेक्ट हो चाहे वो मेजर प्रोजेक्ट हो, वहाँ पर काम आ सके। लेकिन जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट बना के सोर्स कोड प्रोवाइड करता हूँ, लोग उसको बाय करते हैं, तो उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी वो खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना, वो बोलते हैं सर यहाँ पे एक इमेज लगा दीजिए बस, सर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा, तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी उनको नहीं आती है, सर डेटाबेस से कनेक्टिविटी समझा दीजिए। मतलब कोर्स तो वो कोड तो परचेज कर लेते हैं, उसका काम तो हो जाएगा, बट उसको पता नहीं है कि चीज़ें यहाँ पे कैसी हो रही हैं, और कुछ भी छोटा सा चेंजेज उसको करना है तो उसको वो नहीं कर पाता। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना यार मैं यहाँ पे एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे लेके आऊँ, जिसमें मैं पूरा वेब डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बैकएंड और फ्रंट एंड सब कुछ इतना सिखा दूँ कि कम से कम जितने मैं जैसा मैं प्रोजेक्ट बनवाता हूँ वो तो आप बना सकें, उतना तो आप बना सकें, इवन उससे बेटर प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। और इतना भी नहीं करेंगे तो आपको जो इश्यूज हैं, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को, पूरी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स को आप देखते हैं, तो आप जैसे प्रोजेक्ट्स मैं बनवाता हूँ उससे कई गुना बेटर प्रोजेक्ट्स आप खुद से अपने आप से बना सकते हैं। सो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल HTML CSS से, और बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे बैकएंड PHP MySQL jQuery जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत होंगी हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये कोर्स उनके लिए होने वाले हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल उनको आइडिया नहीं है, बिल्कुल उनको पता नहीं है वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इवन उनको HTML CSS भी यहाँ पे नहीं आती है। उनके लिए कोर्स है बिल्कुल बेसिक से, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और इसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे साथ में बनाते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने फ्रंट एंड का सीख लिया HTML CSS और बूटस्ट्रैप, तो हम इनका जो अभी तक हमने पढ़ा है इनको काम में लेके हम प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पे साथ साथ होते चले, थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होती चले, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे सीखें, आप चीज़ों को अप्लाई करना यहाँ पे सीख जाएं, तो हम बिल्कुल बेसिक से और एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बस ज़रूरत है आपको इस कोर्स को फॉलो करने की। सो जो भी इंटरेस्टेड है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, वो इस वीडियो को अभी यहाँ पे लाइक कर दे और कमेंट करके बता दे कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज, यस सर मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो लर्न करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, और मैं इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका फीडबैक है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फीडबैक हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, दैट्स इट, मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियोज कितने लोगों को पसंद आ रही है, या जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ वो आपको ज़रूरत भी है या नहीं उसकी। तो ये फीडबैक आप दोगे तभी आपको पता चलेगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार हाँ वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए यूजफुल है। आप कमेंट करके बता रहे हैं कि यस सर वीडियो अच्छी लगी, यस सर मैं ये लर्न कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वीडियो आपके काम की है या नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगे। जब आप लाइक करोगे वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताओगे, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है। और आप इस सीरीज़ को लर्न करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा, यस सर मैं इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट है वो लर्न करना चाहता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, यानी हमारा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है उसकी पहली वीडियो है,
और इस पहले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से, वेब डेवलपमेंट क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम इस सीरीज के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि इस सीरीज में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे की वीडियोज़ में, वीडियो ज़्यादा लेंथी मैं नहीं बनाऊँगा, वीडियोज़ में 20-25 मिनट या आधा घंटे की वीडियो मैक्स बना करेगी। यहाँ पे जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना वीडियोज़ आपको अपलोड करता हूँ, मान लीजिए एक दिन में एक वीडियोज़ लाने का मेरा टारगेट है, तो जैसे ही वीडियो आती है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर रखा है, तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कि कोई नई वीडियो आ चुकी है, और उस वीडियो को आप उसी दिन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस डेली का एक घंटा देना है, आधे घंटे की वीडियोज़ और आधे घंटे को उसको आपको लर्न करना, उस वीडियो को जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना। ओके, सो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बस आपको सारे वीडियोज हैं सीक्वेंस वाइज देखते चलना है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज। बेसिकली इस सीरीज में या इसमें हम क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक्स और वो लैंग्वेजेज हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HTML लैंग्वेज, आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे CSS लैंग्वेज, और उसके बाद बूटस्ट्रैप यहाँ पे हम देखेंगे, बूटस्ट्रैप के बाद जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए सारे स्टेप बाय स्टेप हैं, आप HTML नहीं पढ़ो, डायरेक्ट CSS पढ़ो तो वो नहीं कर सकते आप, बिकॉज CSS है जो HTML पे ही अप्लाई होती है तो वो आप नहीं पढ़ सकते। सो पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, CSS और HTML आपके बाद आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा एडवांस जाएंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पे सीखेंगे। और HTML, CSS और बूटस्ट्रैप आप सीख लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छी फ्रंट एंड, मतलब कि वेबसाइट्स का फ्रंट एंड है वो यहाँ पे बना सकते हैं। इन तीनों के बाद में हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे, और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लर्न कर लेंगे तो चारों वीडियोज़ को मिला के यहाँ पे ये हो जाता है पूरा फ्रंट एंड का हमारा पैकेज, जिस बेसिकली हम फ्रंट एंड में यहाँ पे ये चार लैंग्वेजेस यहाँ पे कह सकते हैं ये पढ़ने वाले हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। ये हो गया हमारा पूरा फ्रंट एंड। अगर हमने फ्रंट एंड सीख लिया है, फ्रंट एंड पढ़ लिया है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे बैक एंड प्रोग्रामिंग की, जो भी वेबसाइट के बैक एंड में सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे PHP, बिल्कुल बेसिक और कॉमन लैंग्वेज है PHP, और PHP के बाद हम पढ़ेंगे MySQL डेटाबेस, जो कि यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए कोई भी क्वेरी, डेटाबेस से डेटा फेच करना, स्टोर करना, इन सब के लिए काम में ली जाती है। तो अगर PHP और MySQL पढ़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बैक एंड का पैकेज। मुझे पता है कि बैक एंड की और फ्रंट एंड की और भी सारी लैंग्वेजेज यहाँ पे हैं, बट हम बिगनर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये इतना अगर आप कर लेते हैं, अभी तक जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए ये इन लैंग्वेजेज का यूज करके ही यहाँ पे बनाया है। सो जितना मैं बनवा रहा हूँ आपको, कम से कम उतना तो मैं आपको सिखा देता हूँ, इतना आप अगर कर लेते हैं तो फिर आप एडवांस तो खुद से अपने आप कर लेंगे, आपको बस एक बूस्टअप या आपको कह सकते हैं स्पार्क ज़रूरत है। अगर आप इतना सीख लोगे, आपको इंटरेस्ट आ गया और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एनीथिंग दैट यू वांट। और इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे jQuery का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि मैं jQuery का भी थोड़ा यूज़ करता हूँ, जैसे वेब पेजेस को यहाँ पे आप डायनेमिकली लोड करना विदाउट रिफ्रेशिंग ए फुल पेज, तो यहाँ पे jQuery की सहायता से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे jQuery का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा jQuery नहीं पढ़ने वाले हैं, बट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जितना हमें ज़रूरी है वो चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये पूरा पैकेज हो गया हमारे पास पूरा सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, MySQL एंड इंट्रोडक्शन टू jQuery। अब मुझे नहीं पता इस सीरीज़ कितनी बड़ी होने वाली है, इसमें कितनी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि अगर HTML की देखें तो इसमें ही 15-20 वीडियो आ जाएंगी, CSS में 15-20-25 वीडियो आ जाएंगी, Bootstrap, Java, ऐसे सबको मिला के 100 वीडियो तक हो सकता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट मुझे इतना पता है कि इस कोर्स को हम कम्प्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अगर आप डेली की वीडियोज़ को उसी दिन देख के कम्प्लीट कर लेते हैं तो इट डजेंट मैटर आपको कितनी वीडियोज आओ, आपको कोई बर्डन आप पे नहीं होगा। लेकिन अब आज की वीडियो देखेंगे यार, कल देखेंगे, कल और वीडियो आ जाएगी, फिर सोचेंगे यार चलो परसों देखेंगे, फिर तीन वीडियोज हो जाएंगी, तीन के बाद 4, 5 और 10, 15 वीडियोज हो जाती हैं, फिर आप सोचोगे यार ये तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ये मैंने फॉलो नहीं कर पाए, तो आप इस तरीके से चीज़ों को छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी होता है, तो ऐसा आप ना करें बिल्कुल भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेली की वीडियोज़ को डेली यहाँ पे कंप्लीट कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए।
चलो आगे करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट के बारे में कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? सो वेब डेवलपमेंट, जैसे इसके नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, वेब डेवलपमेंट के नाम से ही पता चल रहा है, वेब डेवलपमेंट मीन्स वेब प्लस डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, वेब प्लस डेवलपमेंट। अब वेब का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेब का मतलब होता है यहाँ पे वेबसाइट्स, और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक तरीके से डेवलप करना। ओके, सो वेब डेवलपमेंट का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, वेबसाइट्स डेवलप करना यानी वेबसाइट्स बनाना, दैट्स इट। इतना सही वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, वेबसाइट्स बनाना, दैट्स इट। अब जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है तो हम उसमें वो सारी लैंग्वेजेज पढ़ेंगे जिनका काम, जिनको काम में लेके हम वेबसाइट बना सकते हैं। सो वेब डेवलपमेंट हमने इतना देखा कि वेबसाइट्स बनाना, ये तो हो गया, बट यहाँ पे आप और देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपिंग वेबसाइट्स, इतना ओके है, वेबसाइट डेवलप करना ये तो हो गया, बट अगर हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो फिर वेबसाइट्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, वेबसाइट्स बनाने के बाद उसको मेंटेन करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो वेब डेवलपमेंट में और क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग वेबसाइट्स या डेवलपिंग वेबसाइट प्लस मेंटेनिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को मेंटेन करना प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम वेबसाइट्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो विदाउट डेटाबेस तो यहाँ पे एक वेबसाइट हो ही नहीं सकती। हाँ, हो सकती है वो बेसिक वेबसाइट, बट थोड़ी बड़ी वेबसाइट है तो सिंपल सी बात है उसमें डेटाबेस भी यहाँ पे होगा। सो वेब डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपिंग वेबसाइट्स, मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड मेंटेनिंग योर डेटाबेस, जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करना। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वेब डेवलपमेंट्स के टाइप के बारे में, बेसिकली वेब डेवलपमेंट्स है जो कितने टाइप का होता है। सो वेब डेवलपमेंट है, इसको दो टाइप में, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपने नाम सुना होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपर। सो डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा बैक एंड डेवलपमेंट। पहला और नंबर वन हो जाएगा यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपिंग फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, और फ्रंट एंड वेबसाइट का फ्रंट एंड है उसको डेवलप करना। अब फ्रंट एंड से आप क्या समझते हैं, फ्रंट एंड का मतलब ये हुआ कि द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद या दैट यूजर इंटरेक्ट विद, यानी वेबसाइट का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसको यूजर देख सकता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट है तो वो आपको दिखाई देता है, वेबसाइट्स पे क्या दिखाई देता है, फॉन्ट है, कलर है, उसकी डिजाइनिंग है, सारा वो सब कुछ क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, या वो फ्रंट एंड हो गया उस वेबसाइट का। तो फ्रंट एंड को डेवलप करना क्या कहलाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ लैंग्वेजेज भी हैं जो कि वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए काम में आती हैं, जैसे HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, React.js, AngularJS, एक्सेट्रा। काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं जिनका यूज़ करके हम वेबसाइट्स के फ्रेमवर्क को यहाँ पे, सॉरी वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हैं। बट एज ए बिगनर्स हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो HTML, CSS, Bootstrap और JavaScript यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये लैंग्वेजेज हैं जो फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे काम में ली जाती है। इसके बाद आता है यहाँ पे सेकेंड पार्ट वेब डेवलपमेंट का, सेकेंड टाइप, जो कि हो जाएगा बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपिंग बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट्स का बैक एंड बनाना, बैक एंड तैयार करना, बैक एंड डेवलपमेंट क्या कहलाता है, बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड क्या हो गया, जैसे फ्रंट एंड तो हो गया जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको यूजर देख सकता है, बट बैक एंड क्या हो गया वेबसाइट का, बैक एंड का मतलब हो गया पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद एंड फंक्शनलिटी ऑफ द वेबसाइट, यानी कि वो पार्ट वेबसाइट का जिसको यूजर देख नहीं सकता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाता है, बैक एंड कहलाएगा। जैसे अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जो बाहर है इनपुट फील्ड है वो सब कुछ आपको दिख रहे हैं, इनपुट बॉक्स वगैरह, बटन वगैरह, वो सब चीज़ें दिख रहे हैं आपको, गूगल का लोगो, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये फ्रंट एंड हो गया। बट जैसे ही आप सर्च करते हो बैक एंड में क्या हो रहा है, डेटा कैसे डेटाबेस से जा रहा है, वहाँ से फैच होकर आ रहा है और आपको डिस्प्ले करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में हो रही हैं, आपको नहीं पता है कैसे हो रही है, तो ये हो गया बैक एंड। तो वेबसाइट का बैक एंड क्या हो जाएगा, जो हमें यूजर को दिखाई नहीं देता एक तरीके से, जिससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, यूजर से वो छिपा होता है,
वो कहलाता है बैकएंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे सॉरी ये बैकएंड होना चाहिए, मैंने फ्रंट एंड लिख दिया। सो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए कुछ लैंग्वेजेज हैं जैसे PHP, जावा, पाइथन, लारावेल, जेंगो, नोड JS एक्सेट्रा। ये सारी लैंग्वेजेज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज करके आप वेबसाइट्स का बैकएंड को यहाँ पे बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं PHP, ओके, जैसे कि आपने पहले भी देखा था। सो ये हो गया वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट के टाइप, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट हमने समझा। क्या होते हैं फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड, और कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जो इनके लिए यहाँ पे ज़रूरी होती है। अब हम बात करेंगे इस सीरीज़ को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या आपको आपके पास होना चाहिए, क्या ज़रूरत है इस चीज़ों को सीखने के लिए। सो वो हम चीज़ें देख रहे हैं, व्हाट यू नीड। अगर आप इस सीरीज़ सीखना चाहते हैं, इस सीरीज़ को लर्न करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो क्या आपको पहले से आना चाहिए या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी या कोई भी IDE ही हो सकता है। वो सिंपल हो सकता है, नोटपैड से लेके सबलाइम, विजुअल कोड स्टूडियो एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें आप अपना कोड लिखोगे, और कोड लिखने के बाद आपको अगर वेबसाइट्स को रन करवाओगे, वेबसाइट्स को देखोगे, तो एक वेब ब्राउजर चाहिए। जो देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नो चीज़ें आज मैं कहाँ से लाऊंगा, ये चीज़ें ऐसा नहीं है, ये सबके पास होती हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम, एक कंप्यूटर है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें होती है, नहीं भी है तो आप इजीली उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐसा ना सोचें कि कौन सी चीज़ें बता दी, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। सारी वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास हैं। वेब ब्राउजर के बाद आपको एक लोकल सर्वर, जैम्प सर्वर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब बैकएंड करेंगे, तो हमारे पास एक लोकल सर्वर होना चाहिए जो कि जैम्प सर्वर को हम यूज करेंगे। यहाँ पे विंडोज़ के लिए जैम्प और वैम्प आप यूज कर सकते हैं। और योर टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम ज़रूरी है। देखो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आप लिया होगे, डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, बट आप अपना टाइम ही नहीं दे पाओगे तो इन चीज़ों का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। सो योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 1 आवर डेली। कम से कम मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा आपको डेली देना है। आधा घंटे से ज़्यादा वीडियोज़ मेरी नहीं होगी, आधा घंटे की वीडियोज़ प्लस आधा घंटे जो आपने सीखा है उसको रिवाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर प्रैक्टिस करना, डेली मिनिमम 1 आवर रिक्वायर्ड है। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा यू डोंट नीड एनी प्रायर लैंग्वेज एज वी विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम द स्केच। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रायर नॉलेज या पहले की बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बस इस वीडियो में यही हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और पूरी सीरीज़ के बारे में हमने देखा। आफ्टर दिस हमने देखा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। और हमने देखा कि इनके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जो काम में आती हैं। और इसके बाद हमने देखा कि इस सीरीज़ में हमें, इस सीरीज़ को सीखने के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें क्या पहले से होना चाहिए, कौन सी नॉलेज है, कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे पास पहले से होने चाहिए। और बस दैट्स इट, इतना ही डिस्कस किया है। सो मैं आशा करूंगा कि आप इस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड होंगे, और आप इस कोर्स को सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कमेंट ज़रूर कर दें, आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दें कि यस सर आई एम लर्निंग दिस सीरीज, यस सर आई वांट टू लर्न दिस सीरीज, कुछ भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट करें, बट आप सीखना चाहते हैं, यस सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, यस सर मैं फॉलो कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, ये कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि जेन्युइनली कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। उससे प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि जैसे मैं कोई वीडियो, देखो ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा इस सीरीज़ को सीखने के लिए आपको एक सिंगल रुपी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करना फ्री है, ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे लगेंगे आपके, सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इससे ये होगा, आपकी सुविधा होगी, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबा रखा है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ कोई वीडियो आ चुकी है, मुझे वो देखनी है। तो आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आते ही आपके माइंड की घंटी भी यहाँ पे बज जाएगी कि मुझे वो वीडियो देखनी है। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, और कोई भी वीडियो को मिस नहीं करते इस सीरीज के को तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इतना यहाँ पे सिखा दूंगा कि आप एक अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं,
सो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।